नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बोकारो में अखिल भारतीय स्वर्ण कार संघ के बोकारो जिला कमेटी के द्वारा वेलफेयर सेंटर चंद्रपुरा में संत शोमणी नरहरिदास जयंती समारोह बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर दिलीप सोनी रांची, राष्ट्रोपाध्यक्ष अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आज समाज में हर जाति की गिनती जनगणना हो रही है। हमारा समाज का भी ओबीसी के रूप में जनगणना सरकार कराए और उसके अनुसार आरक्षण दिया जाए। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार ने कहा कि संत तुलसीदास ने रामायण लिखते समय भी नरहरिदास जी की वंदना किया था और तुलसीदास के गुरु जी संत श्रोमणी नरहरिदास ही थे। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग उनके वंशज हैं और आज हम सभी उनके जयंती मना रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली से आए मोहित वर्मा ने कहा, हमें बहुत खुशी है कि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है और बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति भी हमारे समाज में हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष झारखंड दुर्गा जौहरी ने कहा कि संत शोमणी नरहरिदास के विचारों को यदि हम अपने जीवन में नहीं उतार पाए तो कार्यक्रम में आने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में बोकारो जिला स्वर्णकार संघ सबसे अच्छा कार्य कर रहा है और सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसे हमने कहा है कि आज रविदास जयंती भी है और आप सरकार से बात करिए इस विषय पर कि रविदास जयंती के साथ साथ संत नरहरिदास जयंती के अवसर पर भारत सरकार अवकाश घोषित करे। उन्होंने उपस्थित स्वर्णकार संघ के तमाम लोगों को आह्वान किया कि आने वाला पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि हमारे स्वर्णकार समाज में चुने जाए, इसका सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा कार्यक्रम को प्रदेश उपाध्यक्ष देवीदास बोकारो, जिला अध्यक्ष बिगन सोनी, महासचिव प्रभु स्वर्णकार सुनील वर्मा, प्रदीप वर्मा ने भी सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में मनोज स्वर्णकार, राजेश स्वर्णकार, सुनील कुमार, मुनेश्वर वर्मा, ईश्वर प्रसाद, अशोक वर्मा, विद्या गौतम, भारती, पप्पू कुमार वर्मा तथा चंदपुरा प्रखंड कमेटी के सभी सदस्य के अलावा बोकारो जिला के तमाम क्षेत्रों से लगभग 1000 से अधिक संख्या में सो जातिगण उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बिगन सोनी ने की। कार्यक्रम में लगभग 1 दर्जन प्रतिभावान बच्चों को अंग वस्त्र तथा स्वर्णकार सम्मान देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सुमित जी ने नेहा तथा देवराज वर्मा जी के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं गीत गाया गया। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए मुनीश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। आज बोकारो जिला कमेटी के द्वारा चंद्रपुरा में संत नरहरिदास जयंती का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसमें बोकारो जिला ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड से लोग प्रतिनिधित्व किए, यह एक गौरव की बात है। आज हम स्वर्णकार समाज के लोगों के लिए यह बहुत गौरव की बात है, बोकारो जिला के लिए गौरव की बात है। धन्यवाद। मैं मुनीश कुमार वर्मा, न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए चंद्रपुरा से। इस कार्यक्रम में आए तो कैसा लग रहा? बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ नरहरिदास का कार्यक्रम हुआ है। यहाँ सभी स्वर्णकार समाज के भाइयों बहनों सभी लोग पहुँचे हुए हैं। ये देखकर बहुत पसंद हुआ, बहुत अच्छा लगा सबसे हम लोग मिले जुले। हम बोकारो जिला से आए हैं। हम चंद्रपुरा से आए हैं। कैसा लगा प्रोग्राम में आकर? बहुत अच्छा लगा यहाँ का प्रोग्राम देखकर और समाज में सब एक जगह रहे, अच्छा लगा। आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, अच्छा लगा प्रोग्राम। हाँ, क्या अच्छा लगा? यहाँ सुनने में अच्छा लगा, देखने में अच्छा लगा सब। आपको कैसा? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। हम लोग ये प्रोग्राम हर साल मनाते हैं और हम लोग चाहेंगे कि ये प्रोग्राम एक जगह क्या पूरा इंडिया लेवल पर ही हो। मुझे बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को ये प्रोग्राम में आके। बोकारो जिला स्वर्णकार संघ के तत्वाधान में चंद्रपुरा में आज संत शिरोमणि नरहरिदास जी की जयंती आयोजित की गई, जो कि काफ़ी
सुंदर रहा। मैं समाज के बंधुओं से ये अपील करता हूँ कि वो अपने बच्चों को शिक्षा की ओर ध्यान दें, शिक्षा को बढ़ाने में आगे बढ़ाएं। कल तक जो हमारे समाज के लोग अशिक्षा की तरफ जा रहे थे, आज काफ़ी संख्या में लोग शिक्षित हो रहे हैं। मैं समाज के लोगों से यही आग्रह करूंगा कि वो सो शिक्षा की तरफ जागृत करें। और मैं स्वर्णकार संघ की ओर से यह आह्वान करना चाहता हूं कि आने वाले दिन में जिसके घर में जो शादी अपने बच्चों को नहीं कर पाते हैं, वैसे लोग अपने जिला अध्यक्ष के पास अपने लड़का और लड़की की सूची बना कर दें और स्वर्णकार संघ सामूहिक विवाह कराने का कार्य करेगा। आज इस बाबा नरहरि दास जी के जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ बोकारो जिला की ओर से चंद्रपुरा में यह कार्यक्रम रखा गया है और मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं लगातार यहाँ चौथी बार यहाँ आया हूँ और जिस प्रकार से बोकारो जिला में अपना संघ का जो मजबूती है और निश्चित तौर पर बहुत काबिले तारीफ है, यहाँ प्रत्येक प्रखंड में संगठन है और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं मातृशक्ति और लोगों को मैं आगाह करने आया हूँ, आग्रह भी करने आया हूँ कि अपना प्रतिनिधित्व सदन में होनी चाहिए, चाहे वो झारखंड का विधानसभा हो चाहे वो पंचायत चुनाव हो। आज हमारे शिक्षित में भी बहुत पहले जो कमज़ोर थे, आज शिक्षा में भी हमारे समाज के लोग अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो क्लास वन का अफसर हो, टू का हो, थ्री का हो, फोर का हो, सब में IAS IPS भी हमारे समाज के लोग बन रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें खास करके मातृशक्ति को, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा इस समाज कार्यक्रम के माध्यम से पूरा बोकारो जिला नहीं पूरे झारखंड में मजबूती आए। और खास करके इसमें आग्रह किया हूँ कि पर्डे संगठन को अगर मजबूत बनाना है तो पर्डे समाज की ओर से एक रुपया निकाल करके पर मंथ जो है से समाज के खाता में दें ताकि समाज अपनी मजबूती प्रदान कर सके। लोगों जो गरीब गुरबा हैं तबे समाज मजबूत होगा, चाहे वो उद्योगपति हो, व्यापारी हो, अफसर हो, खोमचा वाला हो, ठेला वाला हो, गुमटी वाले हो, जब तक एक साथे नहीं बैठेंगे तब तक हमारा समाज मजबूत नहीं होगा। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को कराते हैं और मैं पुनः इस बोकारो जिला को, खास करके मैं चंद्रपुरा प्रखंड को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ष नरहरि जी के जयंती पर जिस प्रकार से अपनी एकता चटानी एकता का प्रदर्शन करते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।